सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा, धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। मेरी तबीयत खराब होने के कारण कल आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन जो छूटे हुए टॉपिक हैं आने वाले समय में एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा दूँगा। आज की वीडियो में दो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है श्रीलंका ऋण संकट। देखेंगे श्रीलंका कैसे कर्ज के दलदल में फंस चुका है और उससे निकलने के लिए वो कौन कौन से प्रयास कर रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे जापान से और देखेंगे जापान की इकोनॉमी मंदी की अवस्था में पहुंच गई है और ऐसा होने वाला पहला देश बन गया है, क्योंकि यह जो मंदी की अवस्था है इसके पीछे कारण है कोरोना वायरस। अर्थात कोरोना वायरस की वजह से कोई देश, जो पहला देश जापान है, वह जो मंदी की अवस्था में पहुंच गया है उसके सभी आयामों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि समीक्षक आखिर कैसे जापान को बहुत जल्दी ही कमबैक करने की तो संभावना देख रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में यह मंदी की अवस्था के लिए कोरोना वायरस को अब बहुत गंभीर चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। खैर, इन्हीं दोनों टॉपिक को बहुत ही डायनेमिक तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। पहला जो टॉपिक है वह है श्रीलंका ऋण संकट। देखिए है क्या, श्रीलंका के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे और उनके भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे जो है कि वहां के अभी प्रधानमंत्री हैं और वहीं गोटाबाया राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जो सत्ता है उसमें प्रमुख जो दो पद हैं उसमें एक परिवार का जो है कि हिस्सेदारी है और वह है राजपक्षे परिवार। यह जो राजपक्षे परिवार है वर्तमान समय में तो देखा जाए तो ये भारत को लेकर काफ़ी फ्लेक्सिबल दिखाई देता है और अच्छी नीतियों के साथ ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये गोटाबाया राजपक्षे वह परिवार है जो चीन का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। जो वर्तमान समय में जो यहाँ के प्रधानमंत्री जो महिंदा राजपक्षे हैं, जब यह श्रीलंका के 2005 से लेकर 2015 के बीच जब वहां पर राष्ट्रपति थे, कहां के, श्रीलंका के, तो उस समय श्रीलंका में बहुत बड़ा निवेश चीन के द्वारा किया गया और न सिर्फ इन्होंने चीन का निवेश श्रीलंका में बढ़ाया बल्कि हिंद महासागर के अन्य क्षेत्रों में भी चीन का इन्होंने सहयोग किया और इसी के वजह से चीन ने भी खुश होकर कई बिलियन का लोन देकर इनसे कहा कि आप अपना हम्बनटोटा पोर्ट अर्थात बंदरगाह आप विकसित कीजिए और उनको उदाहरण दिखाई दिया सिंगापुर। सिंगापुर भी क्या करता है कि समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार में अपने जो पोर्ट है, अपने जो बंदरगाह हैं उनको यूटिलाइज करके वहां पर जहाजों को रुकने, सामान को रखने, वेयर हाउस से लेकर अन्य प्रकार की, चाहे फ्यूल हो, खाने पीने की व्यवस्था, उन सभी चीजों की व्यवस्था करके सिंगापुर बहुत बड़ा आय प्राप्त करता है। तो चीन ने श्रीलंका से कहा आप भी क्या करो, अपना हम्बनटोटा पोर्ट विकसित कर लो, पोर्ट मतलब बंदरगाह विकसित कर लो और इससे आने वाले समय में समुद्र से होने वाले व्यापार का आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हो जिस तरह से सिंगापुर उठाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जब हो नहीं पाया तो कहीं ना कहीं जो इसमें निवेश किया गया होगा वह क्या रहा होगा, डूब गया होगा या फिर उसका उतना लाभ नहीं मिल पाया। इसी प्रकार जो मटल्ला एयरपोर्ट है उसमें भी बहुत बड़ा निवेश किया गया और ये जो निवेश किया जा रहा है ये किसके वजह से किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि चीन कह रहा है आप हमसे पैसा लो, आप निवेश करो, अपना लाभ कमाओ, लेकिन लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए आपके पास स्क्रीन पर एक देश है श्रीलंका और भारत से इसकी दूरी देख सकते हैं बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर फिर से श्रीलंका को देखिए और यहां पर देखिए आपको हम्बनटोटा और मटल्ला एयरपोर्ट एकदम दक्षिण में देखिए आपको दिखाई दे जाए। उसके बाद कोलंबो की भी लोकेशन आप देख लीजिए। आप देख पा रहे होंगे जो हम्बनटोटा पोर्ट है, मटल्ला और जो मटल्ला एयरपोर्ट है इसमें देखिए चाइनीज बिल्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें यह जितने भी रेड कलर के आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं इनमें जो है
बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है चीन के द्वारा। अब चीन जब लोन दे रहा है तो उस लोन पर कुछ ना कुछ ब्याज लेगा और पैसे भी वापस लेगा। तो कुल मिलाकर कई प्रकार के बड़े निवेश चीन में जो है कि किए गए, लेकिन यह उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। चीन से लिए गए पैसे जब वापस करने थे तो श्रीलंका इसको वापस करने में सफल नहीं हो पाया और उसने क्या किया, अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। लीज पर देने का मतलब है कि इतने साल तक इस पर जो नियंत्रण रहेगा उस किसका रहेगा, चीन पर। अब देखिए, अगर मान लीजिए इतने से ही पूरा जो है कि चीन का कर्ज समाप्त हो गया होता तो बात आज तक नहीं आती, लेकिन यह बात क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अभी जो है कि श्रीलंका पर चीन का बहुत बड़ा कर्ज बचा हुआ है और ना सिर्फ चीन का बल्कि अन्य देशों का, भारत का भी है। अभी भी श्रीलंका के ऊपर चीन का बहुत बड़ा ऋण है। 2018 के लास्ट तक अगर देखें तो चीन का जो ऋण था लगभग 5 बिलियन से ज़्यादा हो गया था। ध्यान दीजिए, 5 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ जो है कि 2018 तक इनके ऊपर कर्ज। इसी के साथ भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी श्रीलंका ने क्या किए हैं, कर्ज लिए हैं। अब जो श्रीलंका ने चीन द्वारा जो लिए गए कर्ज हैं उसमें से बहुत से कर्ज इसको लौटाए जाने, समय समय पर लौटाना होता है। जैसे आप डेट देते हैं कि हम इस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी आप हस्ताक्षर करते हैं कि इस समय हम पैसा आपको लौटाएं। इस साल क्या करना है, लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान जो है कि करना है श्रीलंका को, और इसमें से अधिकांश हिस्सा जाएगा चीन को। भारत का भी लगभग 960 मिलियन डॉलर का ऋण है श्रीलंका के ऊपर, लेकिन यह जो ऋण है इस पर अभी श्रीलंका ने मोरेटोरियम यूज कर रखा है। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि अभी यह जो इसको भुगतान करना था नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा, जो अगर आपके परिवार में किसी ने लोन लिया होगा तो इस समय जो ईएमआई भरी जा रही थी, इस पर आरबीआई ने कहा है आप चाहें तो मोरेटोरियम ले सकते हैं। इसका मतलब है कुछ समय के लिए आप छूट ले सकते हैं कि आप अभी नहीं भरेंगे, बाद में भरें। तो देखिए, अब क्या श्रीलंका ने क्या किया, भारत तो मोरेटोरियम ले लिया, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास बहुत और भी पैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चीन को देना है लगभग 2.9 बिलियन डॉलर। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के साथ साथ अन्य देशों से भी इन्होंने क्या किया है, ऋण लिया है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अर्थात ग्लोबल मार्केट से भी इन्होंने सॉवरेन बॉन्ड लिया है। सॉवरेन बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड होता है, जब आप कहते हैं, मान लीजिए कि भारत है, भारत कहे किसी देश, मान लीजिए यूरोपीय यूनियन से या किसी भी संस्था से कहे या किसी कंपनी से ले, वह कहे कि हम भारत सरकार की तरफ से आपसे कह रहे हैं कि आप हमको दीजिए, और वह जो कोई पेपर सिग्नेचर हो उस पर जो गारंटी हो किस की हो, भारत सरकार की हो, तो ऐसे पेपर को बोला जाता है बॉन्ड, अर्थात जिसके लिए सरकार अपने ऊपर रिस्क लेती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है। तो सॉवरेन बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा ऋण ले रखा है, और जो यह ऋण ले रखा है सॉवरेन बॉन्ड के माध्यम से, इसमें से जो ऋण है, इसमें से 1 बिलियन ऋण की अवधि जो है अक्टूबर माह में पूरी हो रही। इनका मतलब है कि मान लीजिए इन्होंने 10 बिलियन का ऋण लिया तो उसमें से 1 बिलियन ऋण जो वापस करना है उसकी जो अवधि है अक्टूबर माह में पूरी हो रही है। इसी तरह से मैंने बताया चीन को इन्हें देना है, भारत से चलिए इन्होंने मोरेटोरियम ले लिया, लेकिन इन्होंने जापान से भी लिया है, आईएमएफ से भी लिया है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया है, और इस तरह से देखा जाए तो इनके पास क्या है, लायबिलिटी, ऋण देने की बाध्यता ज्यादा है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था वह इस समय क्या अच्छा काम नहीं कर रही। कारण यह है कोरोना वायरस। इनका जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है वो निर्यात है। इस समय लॉकडाउन है तो निर्यात कहां हो पा रहा है, पर्यटन भी नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ रेमिटेंस अर्थात जो श्रीलंका के लोग बाहर रहते हैं वह भी क्या है, बहुत ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी अपने देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं भेज पा रहे। कैसे पैसे भेजते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जो है कि सऊदी अरब गया और वहां से वह अपना काम करता है, जो भी बचता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे परिवार के लिए देता है, तो परिवार के लिए जब वो भेजेंगे तो सऊदी अरब का जो मुद्रा होगा, करेंसी, अंतरराष्ट्रीय करेंसी भेजेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे अकाउंट में आएगा, तो हम तो रुपए लेंगे, लेकिन सरकारों को क्या होगा, जो बैंक के माध्यम से आएगा उनको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मिलती है। और जब लोग यहां पे पैसे भेजते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर से, जैसे मेरे परिवार के लोगों ने सऊदी अरबिया से भेजा, ऐसे जब लोग बाहर से भेजते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आता है। ये सभी चीजें इस समय क्या हो गई, बंद हो गई। साथ ही साथ इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी क्या हो रहा, सिकुड़ता चला जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब वह
भंडार जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी और लेन देन में यूज होती है वो तब रहेगी, विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की तब ज़्यादा होती है जब वो क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करे और उसमें उसको फायदा हो। जैसे मान लीजिए कोई देश है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, जब निर्यात बहुत ज़्यादा करेगा तो वह क्या करेगा, रकम जो लेगा विदेशी लोग जो पैसा देंगे विदेशी मुद्रा के रूप में देंगे तब ज़्यादा पैसा आएगा। या जो बाहर के लोग हैं पर्यटन घूमने के लिए आए अर्थात वो अपने साथ डॉलर वगैरह लेके आए और यहाँ पे कहें कि ये लीजिए डॉलर, आप हमको श्रीलंका का रुपया दे दीजिए। तो ये सभी चीज़ें तो क्या हो रही हैं, हो नहीं रही हैं, इसके वजह से इनका जो करेंसी रिजर्व है वो भी खाली होता चला जा रहा है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था भी निगेटिवली प्रभावित हो रही है और इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी संकुचित होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ जो ऋण देने की अब इनकी अवधि है वो करीब आती चली जा रही है और पैसे कहीं से आ नहीं रहे। तो इस चीज़ के लिए श्रीलंका ने क्या किया है, भारत के साथ अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि $400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया, अर्थात वो लगभग एक रूप में उधार के रूप में ले रहे हैं। तो इसी अब मान लीजिए यह पैसा तो उनको मिल जाएगा लेकिन जो उनको इसका ऋण चुकाना है उसका अगर आप अमाउंट देखें तो इनकी GDP अर्थात श्रीलंका की GDP का लगभग 42% हिस्सा इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऋण के रूप में दे देना है। अब समझिए क्या इस ऐसे में यह देश संभल सकता है जब किसी देश को 42% पैसा सिर्फ कर्ज के रूप में दे, कर्ज जो लिया गया उसको वापस करना है। अब यहां के केंद्रीय बैंक ने तो यह कहा है कि भुगतान के लिए वह जो अंतर्राष्ट्रीय जो दीर्घकालिक वित्तीय प्रबंध के कई उन्होंने उपाय किए हैं अर्थात इन्होंने अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंज लाया है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज किया है और इसके वजह से इनको $500 मिलियन प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में $300 मिलियन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक चीज समझिए कि यह जो इस प्रकार के चेंजेस है इससे पूरा ऋण इनका जो है कि समाप्त होने वाला नहीं है और ना ही तो इनकी इतने से इनकी पूरा ऋण का जो अमाउंट है वो पूरा हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, RBI के साथ साथ अन्य केंद्रीय बैंक से भी करेंसी स्वैप जो किया है उसका अब जो है कि वो फाइनल होने जा रहा है और इनसे इनको उम्मीद है कि जैसे हमने इंडिया से अभी RBI से क्या किया 400 मिलियन करेंसी स्वैप लिया, ऐसे ही अन्य देशों से हम करेंसी स्वैप कर रहे हैं, अन्य जो है कि हम जो हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पॉलिसी है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो इनसे इनको पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो है कि श्रीलंका के सोवरेन बॉन्ड के रूप में जो पैसा लिया है उनसे और अवधि मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में आपको पैसे और देंगे या उनसे बातचीत करके किसी तरह से सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनौती एक ये भी है कि आखिर मान लीजिए अभी जो अंतर्राष्ट्रीय करदाता हैं अर्थात जिन लोगों ने ऋण दिया है वह अभी तो जो है कि चुप हो जाए, शांत हो जाए और कह दें कि ठीक है 2 महीने बाद दे दीजिएगा या एक जो है कि इकोनॉमिक क्वार्टर था 3 महीने के बाद दे दीजिएगा। लेकिन प्रश्न ये आया है कि आखिर यहाँ की इकोनॉमी में पैसा आएगा कैसे, वह इस वजह से है क्योंकि IMF का अनुमान है कि आने वाले साल में इसकी अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट आई, 3% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है किसी इकोनॉमी में, तो समझ सकते हैं इसके लिए चुनौती क्या है ज्यादा है। साथ ही साथ आने वाले समय में लॉकडाउन तो पूरी तरह से खुलेगा नहीं, व्यापार प्रभावित होगा, पर्यटन प्रभावित होगा, तो आखिर अगले साल यह क्या करेंगे इनके लिए अभी भी यह चुनौती बनी हुई। इसलिए समीक्षकों का मानना है कि सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए, उसमें मूलभूत बदलाव अर्थात रेडिकल चेंज लाने की आवश्यकता है, जैसा रेडिकल चेंज इंडिया ने LPG मॉडल के रूप में 90 के डिकेड में लिया था, अर्थात जब हमारे पास भी ये कंडीशन थी कि 2 सप्ताह से ज़्यादा की हम जो है कि चीज़ों को आयात नहीं कर सकते थे, हमने जिस प्रकार के परिवर्तन किए श्रीलंका को भी इसी प्रकार करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात इन्हें अपने घरेलू मार्केट को मजबूत करने की आवश्यकता बता रहे हैं। इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखें तो चाहे 2008 की मंदी हो या 2014 की मंदी हो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। कारण यह है कि यहां के लोगों ने जो है कि अपना उपभोग का स्तर बढ़ाए रखा और इस जब किसी देश में घरेलू बाजार उनका मजबूत होता है तो वैश्विक बाजार में अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी होता है तो मैनेज हो जाता है। उदाहरण के रूप में
समझिए, हम भारत को लेते हैं, भारत में इतने त्यौहार हैं, इतनी चीज़ें हैं कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में हर साल खरीदारी करते हैं। तो विश्व में अगर भले ही थोड़ा सा इंडिया का व्यापार प्रभावित हो जाए, क्योंकि इंडिया में क्या है, उपभोक्ता ज़्यादा हैं, अच्छा खासा खर्च करते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से क्या होता है यहाँ पर मंदी का प्रभाव कम होता है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी कृषि से लेकर अन्य सेक्टर में कई प्रकार के चेंजेस किए हैं, इनका फायदा इसको मिलता है। ठीक यही बात अब श्रीलंका के लिए भी कही जा रही। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आने वाला पहला देश जो है वो जापान बना। आप जापान का ये देख लीजिए, होकेडो देख लीजिए, उसके बाद होन्सू देख लीजिए, सिकोकू देख लीजिए, यह आपको द्वीपीय क्षेत्र पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस पर हम बात नहीं करेंगे। मैप थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी लोकेशन आप समझ लीजिए। आप देखिए, एक तरफ आपको जो है कि रसिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एकदम नॉर्थ और ईस्ट में, फिर उसके बाद पश्चिम में थोड़ा सा आप देखेंगे, और सॉरी रसिया जो है कि नॉर्थ और वेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद कोरिया देख लीजिए पश्चिम में, फिर साउथ कोरिया, और फिर उसके बाद जो है कि आपको दक्षिण में आएंगे तो चीन भी दिखाई दे जाएगा। जापान जैसा कि आपको लोकेशन में दिख रहा है एक द्वीपीय देश है, जिसके पास संसाधन के नाम पर देखिए क्या है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, चक्रवात है, अर्थात आपदाएं हैं, ना कि रिसोर्स हैं। इसलिए इन बावजूद इसके आज यह जो जापान है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसकी जो GDP का आकार है वह है $5.1 trillion के नियर अबाउट। अर्थात इंडियन इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था का आकार है वह कितना माना जाता है, लगभग $2.9 trillion, वहीं जापान जो है कि वर्ल्ड की तीसरी जो है कि लीडिंग कंट्री। और मैंने आपसे कहा यहाँ पर क्या आता है कि भूकंप आए दिन आपको दिखाई देने को मिलेगा, ज्वालामुखी, सुनामी, ये जो ज्वाला जितने द्वीप हैं इनका निर्माण ही ज्वालामुखी पर हुआ है, यहीं से आपको पता है रिंग ऑफ फायर गुजरता है। और ठीक इसी तरह से सुनामी जो आई थी वर्ष 2011 का आपने देखा था कितनी बड़ी तबाही मचाई थी, चक्रवात भी आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं। बावजूद इसके यह जो है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एक एडिटोरियल है जो यह कह रहा है कि अभी जापान में जो मंदी आई है इस मंदी से जापान बहुत जल्दी कमबैक करेगा। तो जो कमबैक वाला इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं पहले बता रहा हूं ताकि आप जापान की मजबूती को समझ जाइए, और इसी के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था को आप समझ जाएंगे तो इससे क्या होगा, जब मैं बताऊंगा कि यह हुआ है तो आप तुरंत उस चीज को जोड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए क्या है कि अभी तक हमने ये जान लिया कि यह देश के पास रिसोर्स के नाम पर ना तो कोयला है, ना तो लोहा है, ना पेट्रोलियम है, और ना ही अन्य कोई चीज़ है जिसको हम भारत और चीन में देखते हैं। और इस तरह से अगर यह इनको रिसोर्स चाहिए, कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, तो ये क्या करते हैं, आयात करते हैं, और जब यह आयात करते हैं तो इन्हें क्या करना होगा, पैसा देना पड़ता होगा। बावजूद यह तीसरी अर्थव्यवस्था है तो इसके पीछे इनका एक बैकग्राउंड है, और यही बैकग्राउंड फिर से इनको अभी के लिए क्या होगा, इनको पॉजिटिविटी देता है कि हमारे यहाँ जो मंदी आई है उससे हम निपट लें। बस ये पॉजिटिविटी को मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि जब 2011 में यहाँ सुनामी आई थी तो यह कहा गया था कि जापान आने वाले समय में 10 साल तक पीछे चला गया, लेकिन जापान ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और उसने कहा कि हम 6 माह के अंदर वहां हर जगह पर उसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन खड़ा करेंगे जैसा था। और 6 माह के अंदर जापान ने जहां पर जिस तरह की बिल्डिंग थी उस पर जिस कलर का पेंट था, जहां पर जिस जो भी पौधा था, जो भी कंस्ट्रक्शन था, सब कुछ उसी तरह से लगा दिया। यह है जापान, और जापान फिर से कमबैक करेगा, लेकिन अभी तो मंदी में आ गया। जापान में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझिए, और यही बैकग्राउंड इसको मजबूती दे रहा है। 1650 से लेकर 1850 तक यह जो वर्तमान हम जापान देखते हैं यह विश्व से कटा हुआ था, और प्रत्येक क्षेत्र में छोटी छोटी जो है कि सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि लोग शासन करते थे। फ्यूडल सिस्टम था, अर्थात इसमें था सामंत का मतलब क्या है कि मान लीजिए जिस एरिया का मैं हूँ, मैंने क्या किया, अपने नीचे 15-20 सैनिक रखे, 50-200 जो भी आवश्यकता हो रखे, मैं अपना जो है कि सिस्टम चला रहा,
ठीक इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे चला हर, तो इस प्रकार की व्यवस्था सामंत व्यवस्था थी। इस तरह से अगर हम देखें तो 1650 से लेकर 1850 तक इस देश में ना तो कोई एक लीगल सिस्टम था और ना ही विदेशी व्यापार के नियम थे। लेकिन 1868 अर्थात 1868 से लेकर 1912 में यहाँ पर क्या होता है, मेजी शासन व्यवस्था आती है और यहाँ से इसका जो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ये पूरे विश्व से जुड़ने लगता है। समय देख लीजिए कब का है, यह आपका 1868 से 1912 के बीच का समय है, अर्थात इसकी जो इकोनॉमी है बहुत पुरानी इकोनॉमी नहीं दिखाई दी। जो इसके बाद इसने काफ़ी तेजी से आगे बढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन इससे एक गलती हुई, इसने क्या किया, पर्ल हार्बर पर अटैक किया और उसके बाद जो है कि यूएसए ने पलटवार किया। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि जापान पर परमाणु हमला जब किया गया, उसके बाद एक संधि हुई और उस संधि में यह कहा गया कि आप क्या करोगे, अब अपने यहाँ पर मिलिट्री नहीं बढ़ाओ। अब देखिए यहीं से फिर नया जापान बनता है और यहाँ से नया जापान यह बनता है कि अब जापान ने कहा कि मिलिट्री में तो हमारा काफ़ी कुछ लगा है, बहुत बड़ा रिसोर्स उन्होंने लगा दिया था, यहाँ के बहुत बड़ी संख्या में मिलिट्री में लोग थे और बहुत क्रिएटिव टाइप के थे, बहुत जो है कि ऐसे लोग थे प्रतिभाशाली। तभी तो सोचिए एक छोटा सा देश और अमेरिका पर जो है कि हमला करने के विषय में सोच सकता है और उसको एक्ट अर्थात कार्य भी रूप में कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी। अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम कोई अब मिलिट्री तो नहीं रखेंगे, लेकिन जो मिलिट्री में जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सभी को क्या करें, उन्होंने कहा हम अर्थव्यवस्था में उत्पादन करेंगे, अर्थात हम मिलिट्री नहीं बनाएंगे लेकिन अपना सामान पूरे विश्व में बेचेंगे। तो इसुजू, निशान, टोयोटा जो आज आप नाम सुनते हैं ना, ये पहले की कंपनियां हैं। और इन्होंने क्या किया था, जापान की जब मिलिट्री थी तो कई प्रकार की गाड़ियां और जो है कि कई प्रकार के उपकरण उनको बनाकर देते थे। अब क्या हुआ, जब मिलिट्री समाप्त हो गई तो मिलिट्री के सभी लोग जिनका जो स्किल था उनको यूज किया गया प्रोडक्शन के लिए, अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए। अब एक चीज समझिएगा, जो व्यक्ति मिलिट्री से निकल कर आएगा जिसके अंदर अनुशासन कूट करके भरा होगा और साथ ही साथ गलती करने की गुंजाइश नहीं होगी, वह क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो उसमें परफेक्शन होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और यहीं से जापान क्या होता बनने लगता है। यही कारण है कि इस देश की जो पहचान होती है वह मोरालिटी के लिए होती है, एक कैरेक्टर, एक डिसिप्लिन, एक इथिक्स, एक वैल्यूज, एक इंटीग्रिटी, इन सभी जो नियम है इनको मानने वाले की होती है। अर्थात यह जो देश है एकदम शानदार देश है, यहाँ पर नियमों को लेकर फॉलो करने का जो रूल है वह काफ़ी ज़्यादा। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेन साल में औसतन कितना लेट होती है, वह होती है 6.5 सेकेंड। 6.5 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा ये मिनट भी नहीं है, यह लेट होती है। और यहाँ पर समानता यह नियम है कि कोई ट्रेन अगर 16 सेकेंड से ज़्यादा लेट होती है या 20 सेकेंड से ज़्यादा लेट होती है तो उसके बाद यह कहा जाता है वो ट्रेन माफ़ी मांगती है पैसेंजर से कि यह हमारी गलती है कि हमारी वजह से आप लेट हुए, आप टाइम पर चले थे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कभी रेड लाइट लग जाती है तो रेड लाइट को क्रॉस करना अलाउड नहीं होता और लोग चार चार घंटे खड़े रह जाते हैं लेकिन कोई रेड लाइट नहीं तोड़ता या अपनी लाइन से दूसरे लाइन में नहीं जाता। साथ ही साथ यहां पर किसी चीज की लाइन लगी हो, चाहे खाने पीने से लेकर, कोई व्यक्ति लाइन नहीं तोड़ता। यह है डिसिप्लिन। और यह जो डिसिप्लिन आया है ना, वह आया है दरअसल जापान के जो मिलिट्री के लोग जो अर्थव्यवस्था में आए उन्होंने एक चीज कहा कि हम कोई गलती स्वीकार नहीं करें और अनुशासन का पाठ इस देश को सिखाए। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जब प्रोडक्शन बढ़ाना चालू किया, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन लाना चालू किया, तो क्या होगा, बहुत बड़ा इनके पास जो है कि प्रोडक्शन होने लगा और इन्होंने निर्यात करना प्रारंभ किया और इसी के कारण इनकी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। और जब निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन गई तो इनके जो निर्यात हैं उसमें 21% की लगभग हिस्सेदारी व्हीकल्स की होती है, साथ ही साथ यहाँ पर 19% जो हिस्सेदारी होती है वह सीनरी की होती है और 14.6% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की होती है। अच्छा, ये जो मशीनरी है ना, ये बड़ी मशीनरी अर्थात बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनमें, इसमें कंप्यूटर जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी शामिल होते हैं, लेकिन उनको जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उनको मशीनरी में हम शामिल करते हैं।
उसके बाद 5.5% ऑप्टिकल, टेक्निकल और मेडिकल का सामान और 3.7% आयरन स्टील का ये क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ये किसके हिसाब से बता रहा हूँ, इनकी जीडीपी में जो पैसा आता है उसके हिसाब से। तो कुल मिलाकर निर्यात इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, और निर्यात इसीलिए बढ़ पाया और इनकी डिमांड बढ़ी। आप देखिए, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएसए, कोई भी देश हो, सभी लोग क्या करते हैं, जापान के प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये किसके वजह से है कि इन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था में गलती ना करने से। यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप कोई 1,000 यूनिट किसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाइए तब भी शायद कोई एक यूनिट में गलती निकल जाए, नहीं तो वो भी नहीं होती। खैर, अब क्या हुआ है कि इनका जो पूरा निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था थी, यह क्या हो गया, चौपट हो गया है। और इसका कोरोना वायरस की वजह से ये जो लॉकडाउन है, इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफ़ी व्यापक रूप से जापान में दर्ज किया गया। जापान की चूंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेशन आ गया। और रिसेशन कोरोना वायरस की वजह से किसी देश में आया तो वो पहला देश कौन सा है, जापान। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि आखिर यह रिसेशन, जिसको हिंदी में हम मंदी के नाम से जानते हैं, यह क्या होता है। तो एक शब्द समझिए, एक शब्द होता है इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल में क्या होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था की साइकिल चल रही है, कभी आपकी जीडीपी की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ज़्यादा, कभी कम। और ना तो क्या होता है कि कभी बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं होता कि वो निगेटिव में जा रही है, हमेशा क्या होता है कभी अर्थव्यवस्था में गति ज़्यादा हो जाती, कमी कम हो जाती। तो अर्थव्यवस्था में कभी गति ज़्यादा होना, कम होना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। लेकिन रिसेशन कुछ और है। हालांकि मंदी की कोई एक परिभाषा तो नहीं है, यूनिवर्सल परिभाषा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका आशय यह है कि जब किसी देश या किसी भी क्षेत्र का जो जीडीपी है उसमें लंबे समय तक नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे, अर्थात उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट, ध्यान दीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो, निगेटिव में जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आज आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आज आप देश की, पूरे देश की, भारत की जो अर्थव्यवस्था का आकार है 100 रुपए, अगले साल यह क्या हो जाता है 110 रुपए, तो आप क्या कहेंगे कि 10% क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो 10% वृद्धि कैसे हुई होगी, क्योंकि इंडिया के लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा, उसको बेचा होगा, कुछ सेवा बेचा होगा। तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट और सेवा का जो मूल्य होता है, इसी को हम जीडीपी में कहते हैं। तो ये देखिए 10% कह रहे हैं हम, 15%, इसका मतलब क्या है कि पिछले साल से कितनी वृद्धि इसमें हुई है। हमने कहा पहले हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कितना था, 100 रुपए का, एक बार अब क्या हुआ 110 का, अगली बार जाकर क्या हो 121 रुपए का। तो हर साल क्या हो रहा, 10% जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही। लेकिन क्या हो जब यही जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव में जाए, ग्रोथ रेट ध्यान दीजिए, अर्थात वह बढ़ने की जो दर है वह कम होती चली जाए, तो उसी को बोलते हैं मंदी। तो देखिए दो शब्द समझिए, एक है ग्लोबल मंदी। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट दर्ज का है, तो निरंतर जब उत्पादन में गिरावट दर्ज होगा तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम बेचकर प्राप्त कर सकते थे अब नहीं करेंगे। तो इसी को जब हम ज़्यादा प्राप्त कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जीडीपी को ग्रोथ रेट में दिखा रहे थे। अब जब उत्पादन कम कर पा रहे हैं तो कम बेचेंगे, तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो अब देखिए क्या कहा गया है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सेवाओं के उत्पादन निरंतर गिरावट दर्ज की जाती है, और यह जो गिरावट दर्ज की जाती है कम से कम 3 माह तक ऐसा रहे, तो वो इसी नकारात्मक ग्रोथ रेट को क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। देश के संदर्भ में अगर हम पूछें तो इसको, यदि इकोनॉमिक ग्रोथ 2 वित्तीय तिमाही अर्थात किसी फाइनेंशियल ईयर में जो है कि 4 जो है कि क्या होती हैं वित्तीय तिमाहियां होती हैं, चूँकि साल क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है 12 माह का होता है, तो उसको क्या किया जाता है, 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। और यह जो दो क्वार्टर होते हैं उनमें अगर लगातार क्या हो, निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे या जीडीपी की ग्रोथ रेट दिखाई दे, तो इसको क्या कहते हैं, मंदी। अर्थात अगर जापान के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि वहां पे मंदी आई है, इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि लगभग 6 माह से उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वह प्लस में नहीं गई है, वह निगेटिव में जा रही। अर्थात जैसे हमने कहा एक बार 100 रुपए, उसके बाद अगले साल 110, उसके बाद अगले साल 121,
उसके बाद कुछ और, तो यह इस रूप में जब बढ़ रहा था 10% की हर साल क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, इसी को हम GDP का ग्रोथ रेट बोल रहे थे। अब क्या हो रहा है, जब ऐसा ना हो रहा है, कमी में हो रही है, माइनस में जा रहा है, अर्थात जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि क्या है, GDP की निगेटिव रेट। उदाहरण से मैं अभी बताता हूँ, मान लीजिए भारत का अभी जो ग्रोथ रेट है 4% है, लेकिन अगर क्या आने वाले दो जो वित्तीय तिमाही हैं उनमें जो ग्रोथ रेट रहे वो माइनस में 1% या माइनस में 2%, माइनस में 3%, कितना भी रहे, अर्थात माइनस में रहने का मतलब यह है कि जितना इस साल उत्पादन हुआ है उतना भी उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो इसी को बोलते हैं GDP के ग्रोथ रेट का निगेटिव में जाना। यही हो रहा है जापान में। जनवरी से ही जो इसकी ग्रोथ रेट है वो कम होने लगी थी। ध्यान दीजिएगा कि जब क्या हुआ था नवंबर और दिसंबर में जब चीन में केसेस आने लगे थे, उसके बाद से ही क्या हो रहा था कि हर जगह कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने लगे, और जब यह कोरोना वायरस आया इससे पहले ही जो अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर चल रहा था इससे भी क्या हो रहा था, जापान की कंपनियों को हानि पहुंच रही थी। लेकिन जनवरी उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके अर्थव्यवस्था अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जनवरी से क्या हो रहा है, कोरोना वायरस का इंपैक्ट चूंकि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में सबसे पहले फैला, इसी की वजह से यहां की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, प्रभावित होने लगी। अब वह क्या हो गई है, चूंकि यहां पे जो दो तिमाही तक इसकी GDP की ग्रोथ रेट निगेटिव में दर्ज की जा रही, इसीलिए कहा जा रहा है कि वह क्या हो गया, मंदी में फंस गया। हालांकि जापान में यह पहली मंदी नहीं, अगर हम इस हाल के ही कुछ वर्षों में देखें तो 2008, 2012 और 2015 में भी यहां की अर्थव्यवस्था में जो है कि मंदी आ चुकी है, लेकिन यह जो मंदी आई है पहले बार है जब कोरोना वायरस की वजह से कोई बड़ी इकोनॉमी पहले इसके टच में आई है, मंदी के टच में आई है। अब देखिए हो क्या रहा था कि मंदी की वजह से क्या हो रहा था, उत्पादन भी कम हो रहा था, और इधर जापान ने क्या किया, अपना सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया। सेल्स टैक्स का मतलब होता है जब आप बेचेंगे तो आपको टैक्स उस पर लगेगा। तो अब देखिए क्या हुआ, एक तो कोरोना वायरस की वजह से विश्व, चूंकि इनकी अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित तो निर्यात भी नहीं हो पा रहा था, और सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो गया, लोगों ने डिमांड, जो घरेलू लोग थे उन्होंने भी अपनी डिमांड कम कर दी, और चूंकि निर्यात तो हो ही नहीं पा रहा था इसलिए प्रोडक्शन क्या होने लगा, कम होने लगा, और जब प्रोडक्शन इसी तरह से 6 माह तक कम रहा तो इसी को हमने क्या कह दिया, मंदी में पहुंच गया। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया चीन और अमेरिका के बीच में जब ट्रेड वॉर चल रहा था, तो हमेशा जहां तक समानता ये देखा जाता है कि अमेरिका की नीतियों को फॉलोअप करता है जापान, तो उस समय ट्रेड वॉर के समय भी जापान में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, तो उसी समय का जो प्रभाव था कोरोना वायरस ने उस प्रभाव को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और जब बढ़ा दिया तो उनके उत्पादन क्या होने लगा, घटने लगा, और जब घटने लगा तो इसी को कहा जा रहा है कि वहां पर क्या हो गया, मंदी आ गई है। अब देखिए, अब मंदी आ गई है इसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है, पहले जितना निर्यात होता था, पहले जितना व्यापार होता था वह नहीं हो रहा है, और इसी के साथ साथ जब वहाँ के लोग व्यापार करके निर्यात करके आय कमाते हैं तो उनकी आय भी क्या हो रही है, कमी आई है, और उसकी जब कमी आई है तो इसी की वजह से वहाँ का प्रोडक्शन में जो है कि जो प्रोडक्शन की डिमांड थी वह क्या हो गई है, कम हो गई। आने वाले समय में भी यह निर्यात जो है जल्दी बढ़ेगा नहीं, पर्यटन भी इसका एक आधार है वो भी जो है कि क्या हुआ, प्रभावित हुआ, वो भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन बावजूद इसके समीक्षक यह कह रहे हैं कि यह जो अर्थव्यवस्था है आने वाले कुछ ही माह में क्या करेगी, फिर से कमबैक कर। कारण यह है कि जो मैंने इसका बैकग्राउंड बताया कि कभी अगर हम देखें 1910 के दशक तक देखें अर्थव्यवस्था पूरे विश्व से कटी हुई थी, लेकिन कितना शानदार तरीके से इसने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब पर्ल हार्बर अटैक और उसके बाद जापान पर फिर जो है कि परमाणु बम की घटना हो, उसके बाद फिर से अर्थव्यवस्था खड़ा हो गया, सुनामी आई और सुनामी की वजह से यहां पे कई हजार करोड़ रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन फिर से इसने क्या किया, खड़ा किया। लेकिन इसी से यह जरूर कह रहे हैं कि अगर यह प्रभाव जो है कि किसी अन्य देश पर पड़ा तो वहां पर इतनी जल्दी संभलने की गुंजाइश नहीं देती।
अब देखिए, अभी आपको पता है कि जापान ने अपनी जीडीपी का क्या किया, लगभग 20% पैकेज के रूप में दिया, जो कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है किसी बड़ी इकोनॉमी के द्वारा अपने जीडीपी का इतना बड़ा पैकेज घोषित किया जाना। जैसे इंडिया में हमने देखा, लगभग कहा गया कि हम क्या कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, जो हमारे जीडीपी का लगभग 10% है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इनकी जीडीपी का आकार भी बढ़ा है, उसका 20% घोषित किया गया। तो कह रहे हैं कि यह जो जीडी यह पैकेज जो घोषित किया गया है ना, यह जापान के लोगों को फिर से प्रेरित करेगा, फिर से उत्पादन करेंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जरूर तैयार हो गया है आपके लिए कि आखिर कोरोना वायरस की वजह से जब सप्लाई चेन, जब व्यापार, जब निर्यात और इन सभी के वजह से जब लोगों की आय कम होती है, डिमांड कम होती है, तो उससे क्या होती है, मंदी उत्पन्न होती है। और यह मंदी क्या हो चुकी है, आ चुकी है जापान में। यह बाहर ना फैले, इससे यह कहा जा रहा है कि विश्व के अन्य देशों को अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियों को लेकर सचेत हो जाने की, केयरफुल हो जाने की जरूरत है। अन्यथा अगर अन्य देशों में मंदी के लक्षण आए तो पूरा विश्व मंदी की चपेट में आ सकता है, जैसा कि 2008 और 2014 में हुआ था। कुछ देशों को छोड़ दें तो पूरे विश्व में लगभग इस समय मंदी आ चुकी थी। कुछ समीक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न होने वाली यह जो मंदी जो जापान से प्रारंभ हुई है, 1929 की महामंदी से भी क्या है, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, उससे भी ज्यादा घातक हो सकती है। खैर, इसमें कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको सुनिश्चित करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।